नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने में किसानों की मदद करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें लॉकडाउन के दो महीने के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपये की खरीद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और यार्ड के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जबकि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, पशुपालन के लिए 1,500 करोड़, मछली पालन को दोगुना के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज चक्रवाती तूफान की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के बोकारो, दुमका, सरायकेला खरसावा, खुट्टी जिलों के कुछ भागों में मेघ गरज के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और लातेहार में वज्रपात होने की आशंका जताई है। झारखंड के निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास जारी। खबरों के अनुसार रांची के निजी स्कूलों में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कक्षाएं चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास जारी रखने की योजना है। सभी क्लास के बच्चों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, अलग अलग दिन अलग अलग कक्षा का संचालन होगा। झारखंड में आज 12 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो गढ़वा से 4, हजारीबाग से 6, धनबाद से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 203 से बढ़कर 215 हो गई, जबकि 97 लोग स्वस्थ हुए और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 85,784 है, जबकि 30,258 लोग स्वस्थ हुए और 2,753 लोगों की मृत्यु। हवाई जहाज से मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम ने गृह मंत्रालय से मांगी अनुमति। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रेन और बसों द्वारा प्रतिदिन मजदूरों को झारखंड लाया जा रहा है। यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सभी श्रमिक सुरक्षित घर नहीं आ सकते। एचईसी कर्मियों व मजदूरों को मिलेगा फूड अलाउंस। खबरों के अनुसार एचईसी प्रबंधन ने सभी मजदूरों और प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को फूड अलाउंस देगा। इस संबंध में प्रबंधन ने आदेश जारी कर फूड अलाउंस का लाभ 21 अप्रैल से 30 मई तक देने का अनाउंस किया है। प्रबंधन ने फूड अलाउंस प्रतिदिन 35 रुपए के हिसाब से देने का अनाउंस किया है। हेमंत सोरेन का केंद्र पर आरोप, घर वापसी पर राजनीति कर रही भाजपा। खबरों के अनुसार रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड सरकार रेल चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। रेलवे रोजाना 300 स्पेशल ट्रेनों को चलाकर मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि झारखंड की सरकार इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही, जिससे श्रमिक को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि हर चीज़ पर राजनीति करना भाजपा और केंद्र की आदत बन गई है। झारखंड सरकार ने 110 गाड़ियों के लिए एनओसी दी है, जिसमें से 50 ट्रेन अब तक झारखंड 60,000 से अधिक प्रवासी को वापस लाया है। झारखंड में शराब बिक्री के लिए वेबसाइट जारी। खबरों के अनुसार राज्य में शराब की बिक्री टोकन सिस्टम के जरिए किया जाएगा। उत्पाद विभाग ने ऑनलाइन टोकन सिस्टम के जरिए शराब बेचने की तैयारी की है। विभाग ने वेबसाइट पर इसका ट्रायल भी कर लिया है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही शराब की बिक्री शुरू कर दी जाएगी, जो 1 घंटा में 30 व्यक्ति को शराब दिया जाएगा। मजदूरों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। खबरों के अनुसार मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए जॉब कार्ड प्रिंट कर लिया गया है। यदि उन्हें मनरेगा में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो कि प्रतिदिन की मजदूरी के 194 रुपये सम्मिलित होंगे। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात कर उन्होंने संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थिति में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के कर रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को मजदूरों की समस्या भी सुनाई और कहा कि सरकार मजदूरों की इच्छा अनुसार गृह राज्य के लिए प्रयासरत है। लॉकडाउन में छूट के लिए केंद्र का इंतजार। खबरों के अनुसार झारखंड राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए राज्य सरकार केंद्र के रूपरेखा का इंतजार करेगी।
लॉकडाउन 3.0 की अवधि 17 मई को समाप्त हो रही है। लॉकडाउन 4.0 की घोषणा के बाद ही झारखंड में लॉकडाउन के रूपरेखा पर निर्णय होगा। होल्डिंग टैक्स माफ करे सरकार। खबरों के अनुसार रांची डिप्टी मेयर संजीव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर होल्डिंग टैक्स में छूट देने की अपील की है। डिप्टी मेयर ने कहा कि लॉकडाउन में रोजगार बंद है, आम जनता की हालत खराब है, ऐसे में ये नगर निगम टैक्स लेंगे यह अनुचित होगा, इससे जनता भी परेशान होगी। सरकारी विद्यालयों में पोशाक देने का निर्देश। खबरों के अनुसार सत्र 2019-20 का पोशाक का वितरण नहीं किया गया है, जबकि झारखंड शिक्षा परियोजना ने पिछले ही वर्ष में पोशाक के लिए 206 करोड़ रुपए का आवंटन किया। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक उमा शंकर ने नाराजगी जताते हुए सभी जिलों में 10 दिन के अंदर पोशाक वितरण करने का निर्देश दिया है। पीएम किसान और महिला जनधन खातों में भेजे गए 2,500 रुपए की राशि। खबरों के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि भेज दी गई है। साथ ही सभी महिला जनधन खाताधारकों के खाते में भी 500 रुपए की राशि भेजे गए। अगर आपको यह रकम नहीं मिली तो आप इसकी शिकायत अपने गांव के लेखपाल या जिला कृषि अधिकारी से कर सकते हैं या किसान हेल्पलाइन नंबर 1800115526 पर भी कर सकते हैं। बोकारो पहुंची नई दिल्ली भुवनेश्वर ट्रेन। खबरों के अनुसार नई दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर जाने वाली पहली स्पेशल ट्रेन बोकारो प्लेटफार्म स्टेशन पर सुबह 8:30 बजे पहुंची। इस ट्रेन में बोकारो जिला के 146 यात्री पहुंचे। सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के साथ साथ होम क्वारंटाइन का स्टाम्प लगाया गया। रघुवर दास ने कहा, प्रवासी मजदूर किसानों के लिए पैकेज महत्वपूर्ण। खबरों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए घोषित दूसरी किस्त का स्वागत किया और कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों किसानों के लिए पैकेज महत्वपूर्ण है। पलामू में टीपीसी ने सड़क निर्माण कंपनी के 2 जेसीबी फूके। खबरों के अनुसार पलामू में फिर नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने पलामू जिला को ही निशाना बनाया है। पाकी थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में टीपीसी के उग्रवादियों ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी के 2 जेसीबी को फूंक दिया है। हिंद पीढ़ी के समस्या पर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। खबरों के अनुसार हिंद पीढ़ी क्षेत्र को लंबे समय तक सील रखे जाने सहित अन्य मुद्दों पर बैठक हुई। इस बैठक में हिंद पीढ़ी को सील करने एवं वहाँ के आमजनों की हो रही कठिनाइयों पर चर्चा की गई और इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। मेडिकल लैब को संक्रमण जांच की अनुमति मिला। झारखंड सरकार ने भगवान महावीर सुपर अस्पताल को संक्रमण की जांच के लिए रांची से सैंपलिंग करने की अनुमति दी है। मेडिका रांची से सैंपल एकत्र कर अपने कोलकाता अस्पताल में भेजेगा, वहाँ RT-PCR से सैंपल की जाँच की जाएगी। रिम्स ब्लड बैंक में खून की कमी देख संस्था ने किया रक्तदान। खबरों के अनुसार रिम्स में खून की कमी को देख विक्रम हरिगोविंद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था द्वारा रिम्स ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया गया। बिजली विभाग ने जारी किया अलर्ट। खबरों के अनुसार साइक्लोन इफेक्ट के चलते विद्युत आपूर्ति अंचल ने तूफान के संभावित असर को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। आंधी पानी के दौरान फॉल्ट से कम बिजली कटे, इसके लिए खास प्रबंधन किए गए हैं। सभी विद्युत अभियंता को शाम 6 से रात 11 बजे तक रुकने के साथ अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करने को कहा गया। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने मार्कशीट की प्रतियां जलाई। खबरों के अनुसार जेपीएससी परिणाम के विरोध में अभ्यर्थियों ने मार्कशीट और एडमिट कार्ड की प्रतियां जलाई। अभ्यर्थियों ने अपने घर के बाहर लॉकडाउन का पालन करते हुए हाथों में प्ले कार्ड लेकर 5 मिनट तक मौन रखा। देवघर में खुलेगा जांच केंद्र। खबरों के अनुसार संताल परगना में पहला जांच लैब देवघर में खुलेगा, इसकी जानकारी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दी। देवघर डीसी ने जांच केंद्र के लिए जगह उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत की है। जांच केंद्र के लिए 1000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होगी। झारखंड में नए तरीके से होगा संक्रमण से मुकाबला।
खबरों के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने नए तरीके से संक्रमण का मुकाबला करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद मजदूरों की वापसी हो रही है, लोगों को जागरूक करना होगा, वे खुद ही संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश का पालन करेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूर जो झारखंड लौटना चाहते हैं उन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है, और वैसे मजदूर जो पंजीकरण करा चुके हैं वे धैर्य बनाए रखें। झारखंड सरकार प्रतिदिन श्रमिक ट्रेनों का परिचालन बढ़ाने में लगी है, जिससे सभी मजदूरों को जल्द वापस लाया जा सके। साथ ही जहां कम मजदूर हैं उन्हें हवाई जहाज के द्वारा लाया जाएगा। आप धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार की सहायता हेतु आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।